यहाँ के लोग वहां काम करेंगे, वहां के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सब प्रदेशों के अलग अलग देशों के अंदर काम प्रदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है। परिस्थितियां ऐसी घटी तो कुछ वातावरण ऐसा बन गया कि मैंने अपने घर जाना है, ये बताऊ ना, किंतु इससे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, समाप्त नहीं होगी। जो जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ उसको वापस वही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लॉकडाउन पीरियड के लिए भी सरकार ने एम्प्लॉयर्स के क्या सैलरी देनी है, उनको सैलरी भी दी है, खाना भी दिया है, वहां पर अनाज भी दिया है, उनको आने की जरूरत क्या है, वो वहां रहकर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, मिल रही हैं, कि तो भी ये आना चाहते हैं, एक दबाव होता है परिवार में जाना है, उस नाते से ट्रेन शुरू कर दी है, जनरल ट्रेन शुरू नहीं की है, ऐसे लोगों के लिए ट्रेन शुरू की है, स्पेशल ट्रेन शुरू की। आप देखिए कम से कम भी ट्रेन के माध्यम से आज 25 लाख लोगों को घरों में पहुंचा दिया गया। राज्य का शासन लगना बीटीसी में अगर एक्सटेंशन भी किया जा सकता था, ऐसा बोला, किससे बोला? Am I to reply anybody else? आप मेरे से पूछिए जो मैं कर रहा हूं उसके बारे में, मेरे से पूछिए जो मर्जी पूछ रहा हूं। Somebody else is saying something, I should reply for that? मैंने प्रशासन लगाया है ना, आप मेरे से 100 सवाल पूछिए ना, दूसरों के नाम से क्यों पूछते हो, किसने क्या कहा है? मैंने प्रशासन लगाया है ना, आप जितने सवाल पूछते हैं पूछिए उसके बारे में। निशुल्क के नियम में पहला, जो भी लोग आते हैं उन्हें लिसन रेस्पॉन्ड एंड एक्ट, यानी हर ऑफिसर, कोई भी पब्लिक व्यक्ति आते हैं उनकी बात को बड़ी अदब के साथ, ध्यान के साथ, इज्जत के साथ सुने, सुनने के बाद रेस्पॉन्ड करें, उनसे डिस्कस करें, और समझने के बाद एक दूसरे को फिर एक्शन लें, एक्ट अपॉन करें। एक्ट अपॉन का मतलब ये केवल मात्र रिप्रेजेंटेशन आ गया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, नहीं। एक्ट अपॉन का मतलब यह है कि उसमें टाइमलाइन निश्चित करके आप दें, ऑर्डर करके ये इस तारीख तक काम होना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस नजर आएगी। इलेक्शन पीरियड चल रहा है, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ है, आज भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, केवल मात्र इलेक्शन की डेट, पोलिंग की डेट और काउंटिंग की डेट रीनोटिफाई होनी है, यानी इलेक्शन प्रोसेस पूरा चला है, आज पेंडिंग है, आगे इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ है, नॉमिनेशन इनवाइट हुए हैं, नॉमिनेशन के पश्चात स्क्रूटिनी हुई है, स्क्रूटिनी के पश्चात आपके विड्रॉल हुए हैं, विड्रॉल के पश्चात लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट डिक्लेयर की गई है, उसके पश्चात कंपेन शुरू हुआ है, किंतु कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने डेट ऑफ पोलिंग पोस्टपोन की है, ठीक है। इसलिए कोई, जब तक ये स्थिति है, नई स्कीम नहीं हो सकती कोई भी, ये हमारी सौभाग्य की बात है। आज कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए भारत ने लीड लिए पूरे विश्व के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे राज्यों को साथ लेकर के योजना बनाकर इंप्लीमेंट की है, सख्ती से इंप्लीमेंट की है, और जिस तरह से पब्लिक ने कोऑपरेट किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं पब्लिक का भी, मुझे पूरा विश्वास है फ्यूचर में भी इसे अभी तक हैंडल करना है। आज जो जरूरत है, जो मैं आप जो उम्मीद कर रहे थे मेरे से, वो वही कर रहा हूं। आज ये फोर्थ फेज ऑफ जो लॉकडाउन है, ये डिफरेंट है, इसमें हमने काम धंधे भी शुरू करने हैं और सब कुछ शुरू करना है, किंतु सावधानियां बरतनी। तो मेरी आज अपील यही होगी, जो भी एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है,
हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए हैं, असम गवर्नमेंट ने दिए हैं, उन सबको हम स्ट्रिक्टली पालन करें, बिना मास्क के कभी बाहर ना निकले, सैनिटाइजर अपने आप को सैनिटाइज करें, बाहर कहीं जाते हैं वापस घर आते हैं तो आप चेंज कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिएगा, अपने ऑफिसर्स को बतलाइए वो ये लॉकडाउन फोर्थ हमारा फेज है और ये फोर्थ फेज बहुत ही क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए है, पहले लॉकडाउन कंप्लीट था, आप पे आना जाना था ही नहीं, इसलिए कोई खतरा नहीं था, किंतु अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किया था, जान भी जहान भी, यानी अब हमने अपनी इकोनॉमी को भी रीओपन करना है, उस नाते से फैक्ट्रीज भी रीओपन की हैं, एग्रीकल्चर में सारा काम शुरू किया है और जो स्टैंडर्ड लोग थे देश के अलग कोनों के अंदर उनके आने जाने की व्यवस्था की है, स्पेशल ट्रेन चलाई है, इसके कारण जो खतरा और बढ़ गया है, इसलिए ये एक फोर्थ फेज बहुत ही खतरनाक है। रिप्लाई योर एनी क्वेश्चन कि सर जो राज्यपाल शासन लगा है वो संविधान के अंतर्गत लगा है ना उसको एक किया गया है भंग करके लगाया गया है? क्या लगा है? जैसे संविधान का फॉलो किया गया है सिक्स शेड्यूल के? देखिए मैंने जो भी किया है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर किया है, शेड्यूल सिक्स का पैरा 16 पार्ट 2 के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमें रिकमेंड कर देते हैं तो उसके हमने उसको लेकर के उसे इंप्लीमेंट किया, ठीक है सर। विल देयर बी एनी इन बाय द अर्लियर द रूलिंग सर विल देयर बी एनी इन्वेस्टिगेशन? देखिए मेरा पहला काम यह है 27 तारीख से जब प्रशासन हाथ में लिया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई अश्योर द बीटीसी एरिया फॉर करप्ट फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है वर्तमान जो आज आपके पास है, ठीक है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं और ऐसी हिदायत मैंने की है, ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, आई एम श्योर कि किसी तरह का करप्शन आज नहीं हो पाएगा। जहां तक पिछली बातों की बात है, कोई 10 साल पुराना भेजेगा, कोई 5 साल होगा, कोई 2 साल पुराना होगा, मेरे पास जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा तो मैं उसे एग्जामिन कराऊंगा। ये तो बात की बातें जो आपने, जब तक मेरे पास कोई केस नहीं है, जब तक मैं उसे पढ़ नहीं लेता, एग्जामिन नहीं कर लेता, तो आगे तो कोई मैं जवाब नहीं दे सकता, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया सर। इस मामले